नमस्ते दोस्तों, मैया की रसोई कान्हा की फुलवारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सूरन का भरता बनाएंगे, भरता चोखा कुछ भी आप कह सकते हैं। दीपावली में सूरन ज़रूर बनाया जाता है और ख़ास करके देसी सूरन ही बनाना चाहिए, क्योंकि देसी सूरन पौष्टिकता से भरपूर होता है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देसी सूरन है। देसी सूरन की पहचान है कि इस तरह से शेप में नहीं होता है, इस तरह जैसे ये उभरा है निकला है, बिल्कुल कछुआ के स्टाइल में होता है देसी सूरन। तो इसमें सावधानी रखनी है कि इसको आप यदि शाम को बनाना हो तो सुबह बॉयल करें, और यदि मॉर्निंग में बनाना हो तो शाम को बॉयल करें। ये आधा केजी सूरन हमने लिया था, इसको कुकर में बिना सीटी लगाए इसको हम उबाल लिए थे धीमी आंच पर, और उसके बाद कुकर खोलना नहीं है, कुकर ढका रहने देना है, जिससे जो भाप इसकी है उसी में समाप्त हो जाए, तब ये सूरन गर नहीं काटेगा। जैसे मुँह में खुजली होती है खाने पर, खुजली बिल्कुल नहीं होगी। इसको रात में उबाला गया है, इस टाइम इसको बनाएंगे। तो हमारा आधा केजी सूरन है, बॉयल है, इसको हम छील के मैश कर लेंगे। ये धनिया की पत्ती है, इसको भी हमने धुल लिया है। 5 लहसुन की कलियां हैं, 4 हरी मिर्च है, 1 टमाटर है, 1 इंच से कम अदरक का टुकड़ा है, 2 छोटी प्याज है, राई, अमचूर पाउडर है थोड़ा सा है आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और 2 चुटकी हल्दी है। सबसे पहले हम सूरन को छील लेंगे। इसके अचार में आपको सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये हमारा सूरन है, इसको हमने मैश कर लिया है अच्छे से। कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाला है। इस भरते को आप सरसों के तेल में ही बनाएंगे। इसमें हम राई डाल के चेक करते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले इसमें हम राई डाल देंगे। जैसे ही राई चटकने लगे, इसमें हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज इसको डाल देंगे। प्याज, लहसुन, अदरक सभी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। आप चाहें तो इसका चोखा कच्चा तेल डाल के बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से बहुत टेस्टी नहीं लगता है। इसको हम भून देते हैं तो बहुत ही सोती सोती खुशबू आती है। दोस्तों, चूँकि ये सूरन हाथ में खुजली करता है, इसलिए जब भी सूरन को काटें या छीलें या इसको धुलना है तो ग्लव्स पहन लें, या तो हाथ में जो नॉर्मल पन्नी आती है सब्जी वगैरह की उसको बांध लें हाथ में, उसके बाद इसको धुलें। थोड़ा सा हमें 1 मिनट तक और धुलना है, गैस का फ्लेम तेज रही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है। यदि आपकी गैस बहुत तेज़ जलती है तो थोड़ा सा धीमा कर लें। चलाते हुए इसे हम 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज हमारी भून चुकी है जितना हमें चाहिए। इसी में हम मैश किया हुआ अपना सूरन डाल देंगे। कहीं कहीं सूरन को ओल भी कहते हैं, इसलिए नाम से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप जब भी सूरन की सब्जी बनाएं घर में तो कोशिश करके मार्केट से देसी सूरन ही ले आएं, क्योंकि देसी सूरन ज़्यादा पौष्टिक होता है, इसमें फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है। गैस हम धीमा कर देंगे और सभी चीज़ों को हम क्रम से डाल देंगे। एक कटा हुआ टमाटर है हमारा, आधे छोटे चम्मच लगभग किसी खटाई है। यदि आपके पास खटाई नहीं है तो उसकी जगह आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी है। गैस बिल्कुल धीमा हमने रखा है। स्वाद अनुसार नमक है और धनिया की पत्ती। सभी चीज़ों को डाल के हम 1 मिनट तक चला लेंगे अच्छे से। गैस को मीडियम रखेंगे, अच्छी तरह से डालेंगे। इस तरह से जब आप सूरन का भरता बनाएंगे तो यकीन मानिए लोग सब्जी से ज़्यादा इसे पसंद करेंगे। अक्सर बच्चे नहीं खाते हैं सूरन की सब्जी, तो इस तरह से बनाने पर बच्चे भी खाएंगे। और यदि आप चाहें तो इसमें एक आध आलू ऐड कर सकते हैं।
सूरन का भरता हमारा बन करके तैयार है। गैस हमने बंद कर दिया है। सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको हम 1.5 से 2 मिनट तक गैस मीडियम करके भून लिए हैं। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। सूरन का भरता हमारा बन करके तैयार है। इतने भरते में लगभग 2-3 लोग खा लेंगे, और यदि मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, ऊपर से हरी धनिया लगा देंगे। दोस्तों, इस तरह से आप दीपावली पर सूरन का भरता ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।